सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोविक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ चुका हूँ सिक्योरिटी गार्ड के। यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी आप लोग थंबनेल देख के जो कि पता चल चुका है, यहाँ पे PNB पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आया है। 100 ऑफ वैकेंसी इस बार के निकला हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी दिया गया है फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे जानकारी जो है डिटेल में बताऊंगा, तो देखते रहेगा वीडियो को लास्ट तक। यहाँ पे आप लोगों को जो बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इंटरव्यू के प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। पंजाब नेशनल बैंक जो है रिसेंटली कुछ वैकेंसीज यहाँ पे निकला हुआ है देयर ऑफिशियल वेबसाइट में, पूरा जानकारी जो है यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा एंड आप लोगों को सारे जानकारी जो है यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोगों को बताऊँगा जो जो कैंडिडेट यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी अगर चाहे कॉमेंट में बता सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज के लिंक भी नीचे दिया जाता है, अगर आप पॉसिबल तो वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी आप लोगों को कोई भी जानकारी के इंक्वायरीज के आपको जो आंसर है आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी अवेलेबल हुआ है उन सारे वैकेंसीज के अंदर लास्ट डेट जो है बहुत ही जल्द है, तो यहाँ पे आप लोगों को उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। ऑनलाइन के फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, कहाँ कहाँ पे आपको जॉब लोकेशन रहेगा, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते, तो पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको लेके जाऊंगा। जो ऑफिशियली रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है उसको मैं डाउनलोड करूंगा एंड देन आप लोग को जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में सारे जानकारी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लेके जाता हूँ एंड देन आप लोगों को वहाँ पे सारे जानकारी जो है प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैं ओपन कर चुका हूँ, इसका ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसी पेज में आ सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह की इंटरफेस या वेबसाइट जो है आप लोग कह सकते हो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो आपकी पूरा डिटेल्स। तो पहले तो आप लोगों को बताऊँगा एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट दिया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 100 ऑफ वैकेंसीज फॉर द मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड। तो इस पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा सब कुछ मैं डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन करने के लिए जो डेट शुरू हो गया है 27 जनवरी 2021 से एंड लास्ट डेट जो दिया गया है 13 फरवरी 2021, एंड जो कैंडिडेट लास्ट डेट के रिसीप्ट एप्लीकेशन करना चाहते उनके लिए 15 फरवरी 2021 तक आप लोग कर सकते हो। मैनेजर सिक्योरिटी के पोस्ट है, 100 वैकेंसी है जो कि बहुत बड़ी वैकेंसीज निकला हुआ है। 21 से 35 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है एक्सपीरियंस के लिए, एंड ऑफिसर विद 5 ईयर्स कमीशन सर्विस इन आर्मी नेवी एयरफोर्स इन ग्रेट प्रे और पे ऑफ ₹5,400 ऑफ द 6 पे कमीशन और मैट्रिक्स लेवल ऑफ 7th CPSC। ए गैजेट पुलिस पैरामिलिट्री सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांड डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स और सर्विस ग्रेड पे ₹5,400 और 6 पे कमीशन और एट मैट्रिक्स लेवल 7th और 7th पे CPSC। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है एक्सपीरियंस के, वर्क एक्सपीरियंस के, सैलरी के बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 48,000 तक आपका सैलरी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बता दिया जा रहा है पोस्टिंग जो रहेगा, द बैंक सेल हैव द राइट पोस्ट यू हैव टू एनी ऑफिस डिपेंडिंग ऑन द एग्जिशन फॉर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर बता दिया जा रहा है इसका मतलब जो है ऑल ओवर इंडिया में जितनी ब्रांचेस है वहाँ पर आपको जो है आपका जॉब लोकेशन रह सकते। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि 100 ऑफ पोस्ट है जिनके अंदर SC के लिए 15, ST के लिए 8, OBC के लिए 27, EWS के लिए 10 एंड जनरल कैंडिडेट के लिए 40 वैकेंसीज अवेलेबल
है। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, 5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर्स के जो है आपका जो एज रिलैक्सेशन है मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो बात किया जा रहा है, ओनली ऑन इंटरव्यू बेसिस आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट जो है यहाँ पे एग्ज़ाम जो है यहाँ पे आपको इंटरव्यू होगा, देन आप लोग जो है इंटरव्यू में क्वालिफाइड करने के बाद आपको ये जॉब जो है मिल जाएगा। 50 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस फॉर द SC/ST एंड वुमेन कैंडिडेट, एंड अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, ऑनलाइन में एप्लीकेशन शुरू हो गया है, जो जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं अभी के अभी एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन के प्रोसेस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप चाहते हो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि किस तरह से एप्लीकेशन करना है उसको भी मैं आप लोग वीडियो बना के दूंगा, तो आप इनके लिए आपको जो है नीचे कमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी अगर चाहे कमेंट में बता सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज के लिंक भी नीचे दिया जाता है, आप लोग वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।